सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप इस आंदोलन में किस तरह से योगदान दे रहे हैं। देखिए, मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन के आप ये लगा लें जो समर्थक है, 11 करोड़ 23 लाख लोग हमारे फाउंडेशन में प्रेजेंट डे की काउंटिंग है। हम लोगों ने किसान के लिए और देश के लिए समर्पित भावना रखी, आज से नहीं, जब से हमने इस फाउंडेशन की नींव डाली है। और ये किसान आंदोलन केवल किसानों के लिए नहीं है, अभी तो हर भारतीय के लिए एक आंदोलन है। किसानों का तो एक बहाना मिला जिसकी वजह से पूरा देश आज इकट्ठा हो गया, क्योंकि इस गोदी मीडिया ने और मोदी सरकार ने पूरे देश को तो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, आप ये देख लें। तो हमें लगा कि मैं बंगाल के दौरे से अभी अभी जस्ट पहुँचा, 39 घंटे के लगातार सफर पर, और हमारा समर्थन हम बंगाल से देते हुए आ रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियोज देखें, वहाँ आप इस प्रदर्शन को देख सकते हैं। लेकिन अब रेबल फाउंडेशन के सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं और अब हम निरंतर यहाँ रहेंगे जब तक ये विल वापस ना हो जाए। अच्छा, मोदी सरकार ये कह रही है कि जो किसान है वो हमारे साथ है, वो आज भी किसानों से मीटिंग कर रहे हैं, कौन से किसान है उनके साथ? देखिए, उनके पास बहुत सारे किसान हैं, जैसे निर्मला सीतारमण है ना, जैसे राजनाथ सिंह जी, जैसे अमित शाह जी, ये किसान ही तो हैं, यही किसान है। पंकज सिंह उनके बेटे, अमित शाह के बेटे जैसा, यही तो है किसान। ये ऐसे किसान है, कभी किसान बन जाते हैं, कभी क्रिकेटर बन जाते हैं। तो इनका ये बहुरूपी है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हैं, समझ गए। जैसे आप गोविंदा को देखे होंगे राजा बाबू फिल्म में, कभी पायलट बन जाते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, इट इज़ लाइक दैट। लेकिन असल में किसान कौन है, इनसे पूछिएगा कि गेहूं किस वक्त लगाया जाता है, धान के लिए मिट्टी की कौन सी लेयर होती है, यूरिया का परिमाण कितना होता है, और तो और आलू के खेती में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यूरिया की कितनी होनी चाहिए, जवाब इनसे आप पूछ लें, जवाब मिल जाएगा आपको। ये जो लोग बैठे हैं, फिर ये तो शायद फिल्म सेलिब्रिटी होंगे, ये लोग तो फिल्में बनाते होंगे, ये किसान थोड़ी ना होंगे। मोदी जी के मंत्रालय में सारे किसान हैं, ये तो फिल्म सेलिब्रिटी है, तो आप तो इनकी फिल्में देखते होंगे जो यहाँ लाखों के तादाद पे लोग बैठे हैं इस मंच पे। जी, अच्छा, योगी जी अभी भी एक बात कह रहे हैं, किसानों आपको राम मंदिर चाहिए, किसानों आपको 370 चाहिए, क्या अभी भी उनकी सुई वहीं पर भी अटकी हुई है? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा पूर्णतः सम्मानपूर्वक, मैं योगी जी से एक बात बोलूँगा। योगी जी, योग का भी एक धर्म होता है, ये धर्म भी ये कहता है कि आप लोगों का रक्षा करें, लोगों के हितों की रक्षा करें, कमज़ोरों को बल दें, ऐसा ना हो कि लोगों का बल ही आप ले लें। अगर आज हम ये देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शासन है, आप एक बार अखबार खोल के देखिए, यूपी इंडिया में सबसे बड़े क्राइम स्टेट के तौर पे उभरा हुआ है, तो जवाब तो आपको यही मिल जाएगा। कहने की हमें क्या ज़रूरत है कौन अच्छा है कौन बुरा है, बोलते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। फिलहाल एक बात करेंगे, किसान आंदोलन तब तक जब तक किसान बिल वापस ना हो, और मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, किसान आंदोलन वापस नहीं होगा, किसान बिल वापस होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, मोदी सरकार ये कह रही ने अभी ये प्रोपेगेंडा चलाया है, प्रोपेगेंडा के किसानों की तरफ से प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं हम ये चलाएंगे कि जगह जगह चौपाल करी जाएगी और लोगों को समझाया जाएगा, पैम्फलेट बांटे जाएंगे और बताया जाएगा इसके बिल के क्या फायदे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने, बनाइए चौपाल, खोलिए मीटिंग और हम भी आएंगे उस चौपाल में, हम आपके साथ बैठेंगे, मेरे साथ मेरे किसान भाई बहन साथी ये सब बैठ जाएंगे, चाचा बैठ जाएंगे, ताऊ बैठ जाएंगे, मेरे ताऊ के दो सवाल का जवाब दे दीजिएगा, हम आपकी बात मान लेंगे। दो ही बातें, सीधी बात करते हैं। देखिए, हमसे ये मत पूछो कि हमारी रजा क्या है, हम तुम्हें बता देंगे तुम्हारी खता क्या है। ये मोदी सरकार ये कह रही है कि बाहर के लोग इस, जो किसान भी नहीं है वो इस आंदोलन में आ रहे हैं, यानी कि आप जैसे लोग, इनडायरेक्टली मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं कि आप जैसे लोग, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बाहर के लोग। मेरा जन्म झारखंड में हुआ, मेरा गांव बंगाल में, मैं रहता हूं ग्रेटर नोएडा में, मेरा देश है कौन सा है मेरा राज्य? ये बंदा पंजाब से आके बैठा हुआ है, दिल्ली में क्यों बैठा है, दिल्ली कैपिटल क्यों बना, बना देता पंजाब को कैपिटल। आज अपने ही देश में घूमने के लिए मुझे वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे अपनी आइडेंटिटी दिखानी होगी तो मैं दिखा दूंगा, मोदी जी ये मेरा आधार कार्ड का नंबर है। मुझसे मेरे देश का हालचाल मत पूछो, तुम अपना हालचाल अच्छे से देखो, जल्दी मान जाओ बढ़िया रहोगे, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।